नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल के जस्ट नॉलेज में स्वागत है। हम बताएंगे वास्तु से जुड़े कुछ टिप्स। इन चीज़ों से सावधान रहे, नहीं तो पड़ सकते हैं आप मुसीबत में। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है और घर के सभी सदस्य परेशान रहने लगे हैं, तो अपने घर में होने वाले कामों पर ध्यान देना शुरू कर दें। कई बार घर में ऐसे काम होते हैं जो दिखने में तो हमें आम लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव नकारात्मक होता है। वास्तु के अनुसार अगर आप भी अपने घर में इन कामों को होते हुए देखें, तो जल्द ही इसका उपाय करें, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर के कुछ काम आने वाली मुसीबत की ओर संकेत करती है। घर में चूहों का आना आम बात है, और वो भी काले चूहे अक्सर घर में दिख ही जाते हैं, लेकिन अचानक आपके घर में चूहों की संख्या बढ़ गई है, तो जल्द ही इसका उपाय निकालें। अचानक बढ़ी चूहों की संख्या नुकसान की ओर संकेत करती है। चींटियों को शुभ माना जाता है, लेकिन लाल चींटी का आना अशुभ होता है। माना जाता है कि अगर घर में लाल चींटी आ रही है, तो ये किसी हानि की ओर इशारा करती है। वही काली चींटी का आना घर में बरकत की ओर संकेत करती है। उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है। अगर यह दिशा साफ होती है, तो इससे घर में धन आता है। वहीं अगर यह दिशा खाली हो, तो अशुभ होता है। अलमारी में दीमक लगने पर तो हम खराब होने के डर से सावधान हो जाते हैं, लेकिन खिड़की की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। अधिकतर घरों की खिड़कियों में दीमक लगे रहते हैं, और ऐसा होने से घर के मालिक को आने वाले समय में परेशानी उठानी पड़ती है। घर के दरवाजों, अलमारियों, खिड़की में दीमक ना लगने दें। साथ ही घर मधुमक्खियों का छत्ता बनना भी शुभ नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारे ये टिप्स कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।